हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। हमने कल एनवायरनमेंट के पांच छह शॉर्ट क्वेश्चंस, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? इट रेफर्स टू रिलीज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इनटू द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटीज की वजह से जब एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसमें रेडिएशंस आ रहे हैं, उसको हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। इट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। इट इज फॉर्म ऑफ रेडिएशन डेट हैज अ शॉर्ट वेवलेंथ एंड अ हाई फ्रिक्वेंसी। इन वेवलेंथ में बहुत ही शॉर्ट इन रेडिएशन में बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इट कॉन्स्टेंटली कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, इनका सोर्स क्या है? यूरेनियम माइंस, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव थिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड टेस्ट लेबोरेटरीज, जहाँ पर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड आर ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा ही रहते हैं। द मोस्ट कॉमन डिजीज डेट अराइजेज इन पीपल फ्रॉम रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स इज कैंसर। इस रेडिएशन से सबसे ज़्यादा क्रिएट होने वाली बीमारी कौन सी है? कैंसर। इसके अलावा एनीमिया, ल्यूकेमिया, कार्डियो डिजीजेस भी इसके असर होते हैं। सोर्स क्या है इसका? इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स इज ड्यू टू एमिशन ऑफ हैजार्डियस रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज विद इन द एनवायरमेंट वेयर दे एग्जिस्ट। इन तीनों चीज़ों के रिलीज होने की वजह से ही रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का असर दिखता है और उसका सबसे ज़्यादा असर कैंसर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ जू अथॉरिटी। फंक्शन ऑफ जू अथॉरिटी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, डेट इज पास अंडर स्टैट्यूट। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको पास किया गया है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं, साथ में मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अथॉरिटी इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली फौना। हमारे देश में बहुत ही रिच हेरिटेज है फ्लोरा एंड फौना का, तो उसको प्रिजर्व करके रखना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना, उसको हम जो है वो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। जिन लोगों को थोड़ा सा भूल लग गई है या छोटी क्लासेस वाला पार्ट अभी याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, बायोस्फीयर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को मिलाकर बनता है। बायोटिक इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन दोनों को मिलाकर हम बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इस बायोस्फीयर में लिविंग नॉन लिविंग सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और फ्लोरा एंड फौना जो टर्म्स यूज होती हैं, फ्लोरा इज स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स एंड फौना इज स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, तो इन सबको प्रिजर्व करना ही इन का काम होता है। क्यों बनाई गई सेंट्रल जू अथॉरिटी? इट वॉज एस्टैब्लिश टू रेज इंडियन जू टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंडियन जू को इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड देना इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था, मेंटेन करना एनिमल्स की, केयर करना, टू प्रोटेक्ट कंट्रीज रिच बायोडाइवर्सिटी, अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जू, जू की फंक्शनिंग को चेकआउट करना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, साइंटिफिक स्टडीज को इंश्योर करना, वेटनरी केयर जानवरों की केयर करना और एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे सेंट्रल जू अथॉरिटी के, क्यों बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन ट्रेडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन ट्रेडिंग? इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग, विच इज यूज फॉर ऑफ ए मार्केट प्लेस टू बाय सेल एंड सेल क्रेडिट्स डेट अलाउ कंपनीज और अदर पार्टीज टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है आजकल एनवायरमेंट को लेकर रूल्स बहुत टफ है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री से अगर जरूरत से ज्यादा धुआं उठता है तो उनके ऊपर एक मिनट में एक्शन ले लिया जाता है। तो कार्बन ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ये कंपनीज, फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं, जाके ट्रेड करती हैं कि हमें कितना पोल्यूशन तक अलाउड होगा, इतना देने में हमें कितना, मतलब वो बात करते हैं आपस में कि हमें कितना तक अलाउड है पोल्यूशन क्रिएट करना। इट इज मार्केट बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन डेट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, बाई क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डू सो। उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं इस बदले में कि वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें। इट कम अबाउट
इन रिस्पॉन्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ही. अडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन दिसंबर 1997, दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड फॉर 38 इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस एमिशंस. 38 इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज को इकट्ठा किया गया था इस प्रोटोकॉल में ताकि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सके बिटवीन द ईयर 2008 एंड 12 टू 5.2% लेवल लेस देन 1990. 5.2% तक पोल्यूशन का लेवल गिराना इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था. तो ये था आपका कार्बन ट्रेडिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरिया एज नेशनल पार्क. देखिए घुमा के दिया गया है, क्वेश्चन का मतलब है नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं. तो देयर आर सुटेबल प्लेसेस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं सुटेबल प्लेसेस होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं. जनरली नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज एज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, सेविंग फ्लोरा एंड फौना, टू रिस्टोर द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस. अपने नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, फ्लोरा एंड फौना के स्पीशीज को प्रिजर्व करना, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का. वेन एवर इट अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट इज बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल फ्लोरल फौनल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस नीडेड टू बी कंस्टिट्यूटेड एज ए नेशनल पार्क फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड टू गिव शेल्टर टू एंडेमिक स्पीशीज. जब भी ऐसा लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी एरिया में बहुत सारे फ्लोरा फौना की ब्रीड्स हमें देखने को मिल रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड मतलब जो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है खत्म होने का, जैसे हमारे देश में टाइगर का है, तो उन लोगों को सबको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उस पूरे एरिया को एक नेशनल पार्क बना दिया जाए ताकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा रहे कि ये जानवर और ये फल फूल सब बच सके, इनमें कोई इनको परेशानी ना हो, इनका कंजर्वेशन हो जाए. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे.